तो अभी जा रहे हैं मैं और दुष्यंत एक बार एक फ़ोटो शूट के लिए, तो वो फ़ोटो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई अभी मैं एक बार राइड कर रहा हूँ बेनेली 600 i, और भाई जो इसका साउंड है ना उसी की वजह से है ये। 85 BHP वगैरह आती है, 7-7.5 लाख रुपए में पड़ जाती है आपको। तो मेरे को इसके ज़्यादा फीचर्स नहीं पता क्योंकि मैंने पहले, मेरे को बेनेली में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट साउंड की वजह से इसका नाम काफ़ी सुना था। इंडिया राइडर अमित के पास 300 है, तो ये 600 है, ये इनलाइन 4 है। तो एक बार ये चला के देखते हैं। अरे भाई साउंड ही अलग है, बेनेली का जो नाम है ना वो इसी की वजह से है। काफी लीनियर पावर है भाई बाइक में। भाई आपको पावर फील होगी, मेरे को ड्यूक जो है ना अपनी वो इससे ज्यादा पावरफुल फील होती है भाई। भाई साहब फील नहीं हो रही, सच बोल रहा हूँ, मेरे को लग ही नहीं रहा मैं कि इनलाइन फोर चला रहा हूँ साउंड के अलावा, क्योंकि इतनी लीनियर पावर है। आप इजी हैंडल कर सकते हो, बड़ा इजीली हैंडल कर सकते हो भाई इस बाइक को, बड़ा ही इजीली। अगर RPM 7-8 हज़ार के बाद जाते हैं ना, तो उस टाइम तो भाई आपको फील होगा जैसे फर्स्ट किया। तो गैज पहुंच चुके हैं थ्रोटल स्ट्रोटल एंड बाइक वहाँ पे मैंने पार्क कर दिया है। ये BS4 है, ये अपने दुष्यंत भाई की RC390 है, अपाचे RR310 अपने ग्रुप की, और पीछे अपनी बाइक्स हैं। तो यहाँ पे आपको बाइक्स इतनी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ये देख लो डुकाटिस एंड भाई
एक लड़की इसको राइड कर रही है, बहुत बढ़िया बात है कि कोई जो राइडर्स हैं वो गर्ल भी हैं, तो थम्स अप है भाई। तो यहाँ पे आपको इतनी सुपर बाइक्स देखने को मिल जाएंगी भाई, अगर संडे को आप यहाँ पे आते हो तो इस सुपर बाइक्स का आई थिंक सेकेंड हैंड बाइक्स का शोरूम भी है यहाँ पे, जिसमें डुकाटी भी मेरे को दिख रही है और भाई एप्रिलिया वगैरह भी दिख रही है भाई। तो सुपर बाइक वगैरह देखते हैं यहाँ पे है या नहीं। 14R है और बाइक काफ़ी जा चुकी है क्योंकि भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा रुकती नहीं। और मेरे को वहाँ पे बीच में ना एक ड्यूक दिख रही है 390 और वो रैप करवा रखी है नियॉन ग्रीन कलर में, तो काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। यहाँ पे अपनी बाइक्स का सभी का लाइनअप है और अभी देखते हैं प्लान क्या है। एक बार मैं दुशांत से बात करता हूँ, फिर उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। तो भाई अभी निकल रहे हैं थ्रोटल श्रोटल से और काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड कर लिया, आज मज़ा आ गया वैसे। तो अभी एक बार पेट्रोल डलवाना भाई को, दुष्यंत को। मैं तो अभी नहीं डलवाऊंगा, मैं तो आगे से डलवा लूँगा, फुल करा लूँगा अपने वहाँ से, क्योंकि वहाँ तक फिर ख़त्म हो जाएगा, फ़ायदा क्या है यार, अभी तो काफ़ी है मेरी बाइक में। देख लेते 80 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है, अभी ज़्यादा ही चलेगी वैसे। तो भाई दुष्यंत अभी जा रहा है और मैं शीतला माता मंदिर, हाँ हाँ, तो मैं जाऊंगा शीतला माता मंदिर के पास, मोटो भी सुमित के पास, एंड भाई को जाना सोनीपत और भाई जाएगा गाडोली। तो मेरे को तो थोड़ा सा काम है अभी, ये है अपने लेफ्ट में सहारा मॉल गुड़गांव। साला फुद्दू, मेरे को भी बहुत दिनों में नहीं चला। तो भाई अपना ड्रोन फाइनली आ गया, मेरे से तो उतरेगा ही नहीं भाई। सुमित ही उतार सकता भाई। अबे डरा क्यों रहा भाई, तेरे ही अपने ये पहचान ले। फोटो खींचते हैं बढ़िया से। इधर से तुम आ गए भाई पूरे। भाई
सो गाइस मैं निकला हूँ सुमित के घर से और काफ़ी बढ़िया टाइम स्पेंड किया भाई के साथ। मैंने ड्रोन भी देख लिया और DSLR भी देख लिया। तो गाइस अब लेने हैं ड्रोन और DSLR, तो उसके लिए चाहिए काफ़ी मोटा कैश, क्योंकि जो ड्रोन है वो है DJI Phantom 4 Plus, जिसकी कॉस्ट है न्यू की 1,35,000 से अबव। एंड भाई ने वो यूज़ किया सिर्फ 5 से 6 बार, और सुमित भाई के फ्रेंड हैं रोनी, जिनके पास हायाबूसा है, तो उन भाई का वो ड्रोन है, तो उनसे मेरी बात हुई है, तो अपने भी फ्रेंड है वो अब। तो भाई ने बोला अरे अस्मित भाई आपको लेना है, कोई नहीं आप बढ़िया, मतलब मेरे को जो प्राइसिंग पे वो ड्रोन मिल रहा है ना, वो काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग पे मिल रहा है, मतलब ब्रांड न्यू ड्रोन पे मेरे को, अब मैं क्या बताऊँ अप्रोक्स आपको, तो इसको हम सरप्राइज रखते हैं, काफ़ी बढ़िया उस पर मेरे को मिल गया। और साथ में मेरे को DSLR कैनन का, तो फोटोशूट एंड वीडियोस के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, तो वो तो मैं ले लूँगा 1 वीक के अंदर DSLR, बट जो ड्रोन है उसके लिए मेरे को लग सकता है थोड़ा बहुत टाइम। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड भाई हिट द लाइक बटन प्लीज़, ताकि अपनी वीडियो रिकमेंडेशन में आए, एंगेजमेंट बढ़े और उसके बाद थोड़े बहुत पैसे आए, ताकि हम DSLR ले सके, DSLR नहीं ड्रोन ले सके एंड आपको अच्छे अच्छे शॉट्स दे सके। तो ड्रोन के कुछ शॉट्स आज आपको मिल गए होंगे वैसे, और भाई साहब ड्रोन उड़ा के देखा ना, मतलब मेरे को फील हुआ कि चीज़ है वो, इतना वर्थ करती है भाई, इतने पैसे अगर मैं उस एक ड्रोन पे लगा रहा हूँ, इतने में तो 150 सेगमेंट की अच्छी खासी बाइक आ सकती है, पल्सर 220 आ सकती है भाई इतने प्राइस में, जितने में हमें वो ड्रोन मिल रहा है, बट भाई क्वालिटी वर्थ है। तो अभी सीन मेरा ख़राब कब हुआ, जब मेरे को मेरी बाइक देखने को मिली, मैं जब सुमित के घर से नीचे आया तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे टैंक पे यहाँ पे स्क्रैचेज है हल्के हल्के, और वो स्क्रैचेज आए हैं जो बेनेली जिस बाइक की मैंने राइड करी थी उस बाइक ने पहने हुए थे, नी गार्ड मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि मेरे को पता था मेरी बाइक पे लेमिनेशन नहीं हो रखी तो स्क्रैचेज आएंगे ही आएंगे, लेकिन भाई ने नी गार्ड नहीं निकाले, उसने ऐसे ही चलाई। तो यही सीन होता भाई अपनी बाइक राइड करने का और दूसरे की बाइक राइड करने का, मैं भाई को ब्लेम नहीं कर रहा, बट ठीक है अब स्क्रैचेज लग गए, लेकिन मेरा मूड इतना ख़राब हुआ ना कि मतलब आंखों से आंसू आ गए यार। अब मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैंने बाइक लेते ही लेमिनेशन नहीं कराई, तो इस बात के लिए मतलब मैं अपने आप को खुद को मार नहीं सकता, वरना बस मेरा गुस्सा मेरे से कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी बाइक या अपनी कार को लेके इतना सेंसिटिव रहता हूँ, अगर हल्की सी भी स्क्रैच लग जाए ना मैं सहन नहीं कर सकता भाई, अपनी बाइक और गाड़ी रहे साफ। बट ठीक है अभी रोने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, हल्की फुल्की स्क्रैचेज हैं निकल जाएंगी वो, लेकिन आगे से हम अब हो गए हैं सावधान, ताकि अपनी बाइक किसी को दें तो भाई समझा के दे, अगर स्क्रैच लगी तो मैं सहन नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हम जिसकी बाइक लेते हैं हम उसको वापस में रिटर्न में वैसे ही देते हैं, लेकिन हमें वैसी नहीं मिली, बट अब कुछ नहीं कर सकते इस बात पे हम, क्योंकि इस बात पे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जब स्क्रैच लग गए तो लग गए। तो जल्दी से अब DSLR लेते हैं एंड उसके बाद ड्रोन भी आएगा, तो अब यूट्यूब पे कुछ अपग्रेड करना है, बाइक तो अपग्रेड हो गई, सुपर बाइक आ जाएगी, बट तब तक समझ गए ना, तो अभी जाके मैं कराता हूँ बाइक को वॉश, और कल हो गया मंडे, तो मंडे को तो मैं करोल बाग नहीं जा सकता, क्योंकि वीकली ऑफ होता है करोल बाग का, तो मैं जाऊँगा ट्यूसडे को और बाइक में कराऊँगा पूरी पे लेमिनेशन, ताकि जो सीन अभी तक मेरे साथ हुआ ना वो आगे ना हो।